हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं यूनिट वन का सी। ठीक है, ऑलरेडी हमने वन की सी का कुछ सेक्शन कंप्लीट किया था, का हम लोगों ने सोशल इंस्टीट्यूशन देख लिए थे, उसमें फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में देख लिया था, है ना। तो आज बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करना है, और क्या कंसेप्ट है सोशल मूवमेंट का, है ना, और उसकी थ्योरीज क्या क्या होती है। ठीक है, ये वन का सी का हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, अगर टाइम रहेगा तो वन का डी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने बात की थी सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बात की थी कि सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, उनकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें देखी थी। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, है ना, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना, और आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ठीक है, कौन सा है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट क्या होता है, एंड सोशल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट वन के सी में। क्लियर, एक सेकेंड का टाइम, तो उसको मैं सेट कर दूँ। देखो, सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल अप्रोचेज में, कल जो मैंने कराया था आपको सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। उम्मीद करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेज के बारे में, है ना, तो इनकी तीन बेसिकली तीन अप्रोचेस थी। सबसे पहले क्या थी, सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जिसे बोलते हैं प्रतीकात्मक बातचीत, ठीक है, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मतलब संरचनात्मक कार्यात्मकता। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या हो गई आपकी, सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो इन थ्योरीज को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की, है ना। देखो, अगर हम बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन की, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतीकात्मक बातचीत, क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, या फिर ये लिखा है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बोलो, ठीक है, या फिर प्रतीकात्मक बातचीत बोलो। ठीक है, तो अगर सिंबॉलिक में एक चीज पहले तो ये यहाँ पे यही लिख लो कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कैसा है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लो, ये क्या है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है पहला पॉइंट। ठीक है, ये थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी है, तो मैं कोशिश करूंगी जो जो की पॉइंट हो सके वो सारे की पॉइंट में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और इसको दिया किसने था, हर्बर्ट मीड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, कॉपी में ऐसे ही आप लोग भी चार्ट बना लो, ठीक है, और वहां पे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखो, जब रिवीजन करोगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा इसका, हर्बर्ट मीड ने दिया था। ठीक है, मीड क्या है, ये हर्बर्ट मीड कौन है, ठीक है, वो उन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को दिया था, और मीड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ वॉट इज नोन टूडे एज अ सोशल साइकोलॉजी। उसके अलावा ये फाउंडर भी हैं सोशल साइकोलॉजी के, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, राइट। तो ये कॉपी में अपने लिख लो, ठीक है, ये चीजें अपने कॉपी में लिख लो, काम आएंगी। ठीक है, यहीं पे देख लो कि मीड ने, जो मीड, हर्बर्ट मीड थे, इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में बात की थी, आई एंड मी के बारे में बात की थी। ठीक है, इन्होंने ही यहीं पे लिख लो, ठीक है, इन्होंने ही क्या चीज दिया था, डेवलपमेंट ऑफ ऑफ सेल्फ के बारे में बात की थी। ठीक है, ये कुछ ऐसे हाइलाइटेड पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली, मतलब आप जब पढ़ोगे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में, बाय चांस इतनी लंबी सी ये जो थ्योरी है, अगर टाइम ना मिले इसको देखने का, तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में की थी। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में बात की थी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कहने का मतलब क्या, जो भी इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्शन करते हैं, इंटरैक्शन करके वो क्या करते हैं, अपने खुद को डेवलप करते हैं, खुद को
कंस्ट्रक्ट करते हैं इस दुनिया को, पूरा ये जो वर्ल्ड है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वाली बातें बोली गई थी, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया था, ठीक है। फॉर दैट ही यूजेस टू टर्म, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में ही यूजेस टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज आई, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज मी, सेकेंड वन इज मी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट में आपके काम आएगा, ये हम लोग जब रिवीजन सीरीज करेंगे तो वहां पे भी चीज करेंगे, बट इसके लिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, क्योंकि ये देखो मैंने भी जब ये थ्योरीज में रहता तो मैं थ्योरीज में भी की पॉइंट देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतनी थ्योरी पूरी याद नहीं रह जाती है कहानी, ठीक है, इस वजह से, है ना। अब इधर आ जाओ, अब ये पूरी सिर्फ कहानी लिखी हुई है, इसको आपको सुनना है, समझना, और जो जो की पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट यहाँ पे करती रहूंगी, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एक्सप्लेन करता है सोशल बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर बाय सिंबल, मतलब जो सोशल, ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सामाजिक, ये क्या करता है, सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करता है, ठीक है। लोग कैसे सिंबल्स का यूज करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये क्या बताता है, सोशल बिहेवियर्स बताता है, ठीक है, सोशल बिहेवियर के बारे में बात करता इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर बाय सिंबल, राइट। इट वॉज डेवलप बाय द थिंकर सच एज जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसे डेवलप किसने किया था, हर्बर्ट मीड ने किया था, ठीक है। अभी मैंने चीज बताई कि इसे डेवलप किसने किया था, हर्बर्ट मीड ने किया था, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर, ये भी नाम लिख लेना, एक बार ये को ऐसे आया था, ठीक है, इनके स्टूडेंट थे, ठीक है, हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर आता है कि किसने डेवलप किया है तो आप लोग हर्बर्ट मीड को ही यहाँ पे टिक करोगे ऑप्शन में। मीड बिलीव करते थे वन सेल्फ डेवलप्स थ्रू सोशल इंस्ट्रक्शन। मीड का मानना था कि जो सेल्फ है वो डेवलप कैसे हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, योर जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, थ्रू द इंटरेक्शन होता है, थ्रू द इंटरेक्शन होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ अ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, राइट, क्लियर। हर्बर्ट ब्लूमर, अब ये जो हर्बर्ट ब्लूमर है, ठीक है, आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर फाउंडर पूछ रहा है तो कौन है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। बट अगर ये जो हर्बर्ट ब्लूमर है वो कौन है, ये मीड का स्टूडेंट है, ठीक है, ये कौन है, मीड के स्टूडेंट है। ही कॉइन द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इंटरैक्शन, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का जो टर्म है, ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इस तरह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि आप लोग पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं हो, कि फाउंडर पूछ रहा है या फिर किसने कॉइन किया था, बस देखा कि हाँ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है और हर्बर्ट मीड को टिक कर दिया, नहीं, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो अगर कॉइंड करने की पूछा जा रहा है तो उसे किसने दिया था, हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था, ठीक है। कॉइन किसने किया था, हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था, एंड ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द मीड, क्लियर। उसने कुछ बेसिक प्रमाइसेस बताई थी, ठीक है, क्या था, ह्यूमन जो है इंटरैक्ट करते हैं विद थिंग्स बेस्ड ऑन मीनिंग एस्क्राइब टू दोज थिंग्स। जो ह्यूमन है, ये लाइन अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, बेस्ड ऑन द मीनिंग एस्क्राइब टू दोज थिंग्स, ठीक है। ये जो इन्होंने किया, ये जो मनुष्य है, ठीक है, जो ये ह्यूमंस है, ठीक है, मतलब जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब जो भी थिंग्स हैं, ठीक, उसकी जो मीनिंग है उसके आधार पे वो क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसके आधार पे वो क्या करते हैं, उससे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। द एस्क्राइब मीनिंग, जो एस्क्राइब मीनिंग है उस चीज की, कम्स फ्रॉम अवर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड सोसाइटी, एंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर इंटरप्रेटेड बाय अ पर्सन व्हेन डीलिंग विद थिंग्स इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। क्या मतलब है कि ये जो अंतःक्रियावाद शब्द था, ठीक है, इन इन मूल परिसरों को रेखांकित किया, यानी मनुष्य उन चीजों के अर्थ के आधार पर चीजों के साथ बातचीत करते हैं, चीजों का विशिष्ट अर्थ दूसरे और समाज के साथ हमारी बातचीत से आता है, और विशिष्ट परिस्थितियों में चीजों से निपटने के दौरान चीजों के अर्थ की व्याख्या किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। सिंपल सा ये है, इतना ज्यादा वो लिखा हुआ है, इसमें से ये समझो, हर्बर्ट मीड ने बोला, सॉरी ब्लूमर ने बोला कि उन्होंने बोला जो ह्यूमन इंटरैक्ट करते हैं किसी चीज के साथ, ठीक है, तो वो किस पे होता है, उसकी जो मीनिंग होती है, उसकी उसका जो मीनिंग होता है उसके बेसिस पे वहां पे वो इंटरैक्शन होता है। अब ये जो इंटरैक्शन है वो कैसे आ रहा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसके उसका जो अर्थ है उसके
लिए जो हम उस पर जब डिस्कशन करते हैं तो कैसे आता है, जब वो सोसाइटी से निकल के आता है, ठीक है, सोसाइटी से वो मीनिंग निकल के आती है, सोसाइटी में जो पर्सन है वो इंटरप्रेट करते हैं उसकी मीनिंग्स को, ठीक है, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हर मतलब जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह का मीनिंग वहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मोर ओवर हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड डिपेंड्स ऑन हाउ दे इंटरप्रेट फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज, एक्शन एंड स्टेटस, है ना। मतलब ये है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कैसे जैसे मेरे लिए हैंडशेक का मतलब कुछ और है, हो सकता हो आपके लिए कुछ और हो, है ना। ये चीज है कि मतलब हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं एक ही चीज की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को, ठीक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वो अलग हो जाती है। और ये अलग कैसे होती है, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स का ये होता है कि पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। वन माइट इंटरप्रेट अ हैंडशेक एज आइदर फ्रेंडली और गेटिंग और कूल फेयरवेल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिम्बोलिज्म और हैंडशेक वैरीज, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हैंडशेक मतलब किसी के लिए हैंडशेक करना जस्ट एक तरीके का फ्रेंडली जैसे फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक करते हैं, और किसी के लिए वो एज अ फेयरवेल हो जाता है, तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जाता है। मतलब वहां पे हैंडशेक का करने का सिंबल अलग हो गया और एक दूसरी जगह पे हैंडशेक करने का सिंबल का अलग मीनिंग हो गया, ठीक है। तो समटाइम्स सिंबल जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये सब ये जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट। Perspective people attach meaning to symbol and then they act according to their subjective interpretation of these symbol. मतलब ये जो symbolic interactionist हैं, वो बता बोलते हैं कि जो human का perspective होता है, जो human का नजरिया होता है, ठीक है, वो किसी एक symbol को लेकर के मेरे लिए handshake करना एक friendly चीज है, ठीक है, और किसी और के लिए हैंडशेक करना वो एक एज अ लाइक वो एक फेयरवेल दे रहे हैं या फिर कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये ह्यूमन का पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हो जाता है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। और जिस वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन दे देते हैं उस सिंबल्स के लिए, ठीक है, अपना एक अपनी एक व्याख्या कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ इस सिंबल का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। वर्बल कन्वर्सेशन इन विच स्पोकन वर्ड सर्व एज अ प्रीडोमिनेंट सिंबल मेक दिस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन स्पेशली एविडेंट। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या करते हैं, उसको एविडेंट बनाता है, ठीक है, क्लियर करता है कि ये जो सिंबल का मीनिंग है, ठीक है, जो हम समझ रहे हैं हैंडशेक करने का मीनिंग या फिर कुछ और कर, ठीक है, तो उसकी मीनिंग को ये वर्बल कन्वर्सेशन क्या करता है, उसको क्लियरली बताता है, ठीक है, क्लियरली उसको उसको वहां पे प्रेजेंट करता है, उस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को, ये जो वर्बल कन्वर्सेशन है उस चीज को वहां पे वो प्रेजेंट करता है क्लियरली, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म रिफ्लेक्ट करता है माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, ठीक है, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि क्या है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, क्या है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जॉर्ज साइमल से, ठीक है, चार्ल्स कूले से, जॉर्ज हर्बर्ट मीड से एंड एरविन गोफमैन से। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इम्फसाइज करता है दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेफिनेशंस एंड मीनिंग दैट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन थ्रू सिंबल इंटरैक्शन विद अदर। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है वो किससे इम्फेसाइज है, किससे इम्फेसाइज होता है, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर कि कैसे उस चीज को मेंटेन करना है, मतलब किसी सिंबल को लेकर के, ठीक है, कोई भी सिंबल को लेके जो उनके बीच में कन्वर्सेशंस हो रही हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, वो इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। वी डेवलप अवर सेल्फ कंसेप्ट, हम अपना सेल्फ कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग हाउ अदर इंटरैक्ट विद अस एंड लेबल अस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ कंसेप्ट को अपना हम खुद की अवधारणा बना सकते हैं, ये देख करके कि दूसरे लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं या कैसे उस चीज को लेबल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम देख कर सीखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग हाउ अदर्स व्यू अस वी सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सेल्फ दैट कूले कॉल्स अ लुकिंग ग्लास सेल्फ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोला, मतलब लोग कैसे हमें देखते हैं, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करें, उसका जब हम रिफ्लेक्शन देख पाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, इसे बोलते हैं। बाय ऑब्जर्विंग हाउ अदर्स, हम ये ऑब्जर्व करते हैं लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन उनके
पर कैसे पढ़ रहा है? तो कूले ने इस चीज को बोला था, ध्यान देना, इसको मीर ने नहीं बोला था, इसको कूले ने बोला था। क्या बोला था इसको? लुकिंग ग्लास सेल्फ बोला था। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये आई मी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और, आप लोग को इधर आ जाओ, मैंने वो चीज यहाँ पे डाली नहीं है, बट इसलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे अपनी कॉपी में ही बना लेना। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बना लेना। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने अभी भी देखा, मैं उसको पूरा की पॉइंट से समझा दे रही हूँ, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म को। ठीक है, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म को पूरा की पॉइंट से एक बार समझा दे रही हूँ। मैं थ्योरीज को इसलिए भी की पॉइंट से यहाँ पे समझा दे रही हूँ, जैसे आपको इतना ज्यादा रटना वटना ना पड़े यहाँ पे। सिंबॉलिक, अपनी कॉपी में इसको भी बना लेना। ठीक है, इंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, अब पहली बात ये आती है। ठीक है, ये कैसी है? एक माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर है, फाउंडर कौन है? हर्बर्ट मीड है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, मैं यहाँ पे मीड लिख रही हूँ, आप तो पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है, बट इस टर्म को, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का ये जो टर्म है, ठीक है, इसको कॉइन किसने किया था? ब्लूमर ने किया था। किसने किया था? ब्लूमर ने किया था। ठीक है, क्लियर बात है? ये तीन पॉइंट समझ में आए, ये तीन चीजें। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। अब बात आती है कि इन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया था आई एन मी का। ठीक है, आई एन मी का इन्होंने कंसेप्ट डेवलप किया था, वो क्या था? ठीक है, इन्होंने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में। ठीक है, जिसमें इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया। वो टर्म्स कौन से थे आपके? आई एंड मी, दो टर्म्स का यूज किया। ठीक है, अब ये जो आई है उसका मतलब क्या है, और ये जो मी है उसका मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है कि आई जो है वो कंट्रोल्ड होता है बाय इम्पल्सेस। आई इज कंट्रोल्ड बाय इम्पल्सेस। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, कंट्रोल बाय इम्पल्सिस, राइट? ठीक है, यहाँ पे क्या आती है? जो आई है, मैं है, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारी इम्पल्सिस कंट्रोल करती है। और यहाँ पे आता क्या है? एंड बेसिक नीड्स जो है हमारी, ठीक है, बेसिक नीड्स या फिर डिजायर्स जो है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, राइट? अब आते हैं यहाँ पे मी के कंसेप्ट पे। अगर मी की बात करूं तो मी डेवलप कैसे होता है? थ्रू इंटरैक्शन। मी डेवलप कैसे होता है? थ्रू इंटरैक्शन, थ्रू इंटरैक्शन। ठीक है, पूरा वो जिस्ट है, जो भी थ्योरी है पूरा यहाँ पे वही चीज है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आई एन वी वी कर वी करके भी आ जाता है, तो अगर यहाँ पे वी लिखा हो, ठीक है, वी, तो उसका भी मतलब यही समझना है कि वहां पे इंटरैक्शन के थ्रू उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ये क्या होता है? सोशल पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोशल पार्ट होता है, जिसमें ह्यूमन बींग क्या करते हैं? आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये कॉपी में आपने एक्स्ट्रा और एड ऑन कर लेना। ठीक है, ए और तो सही है, और तो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख लो, ये ब्लूमर के बारे में। ठीक है, पेन कौन सा लूँ? ये चलेगा। एक चीज और लिख लो यहाँ पे, जो ब्लूमर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ये जो मीट का कंसेप्ट था, ठीक है, मीट का जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का कंसेप्ट था, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया था। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया था। उसके बाद इनका जो मेन फोकस था ब्लूमर का, ठीक है, ब्लूमर का जो मेन, देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की अगर बात की जाए तो वो किसने दिया है? मीट ने दिया है। वो किसने दिया? मीट ने दिया है। बट अगर ब्लूमर ने क्या किया, इस कंसेप्ट को उसने क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कराया, और एक्सटेंड कराने में तीन चीजों पे उसने फोकस किया। ठीक है, किस पे फोकस किया? तीन चीजों पे फोकस किया। सबसे पहले आता है इसमें मीनिंग। ठीक है, मतलब जो भी सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है।
लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और क्या थॉट है, ठीक है, क्या थॉट है, ठीक है, ये चीजों पे इन्होंने सबसे ज्यादा ब्लूमर ने इम्फेसाइज किया था, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा और एड ऑन कर लेना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका। अब आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में देखो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से क्या समझ रहे हो? यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सल एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सल एजुकेशन की बात हो रही है ना। और ये कैसी थ्योरी है? इधर आ जाओ, यहीं पे लिखो। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो आपकी कैसी है? आपकी देखिए, ये जैसे थी माइक्रो सोशियोलॉजिकल थी, है ना, तो उसी तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच से अप्रोच है, ठीक है, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है ये, ठीक है। अब इसका भी की पॉइंट मैं बता दूंगी, ठीक है, माइक्रो मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है ये, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी फोकस ऑन द वेज दैट यूनिवर्सल एजुकेशन सर्व्स द नीड ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे वो वेज को फोकस करती है कि कैसे जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उसको कैसे सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग उसको सर्व कर पाए। फंक्शनलिस्ट पहले जो है सी एजुकेशन इन इट्स मैनिफेस्ट रोल, पहले उसको एक मैनिफेस्ट रोल की तरह देखते हैं, कन्वेइंग द बेसिक नॉलेज एंड स्किल टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कन्वे कर रही है बेसिक नॉलेज को, स्किल्स को टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? डर्खेम है, ठीक है, डर्खेम है। इनके जो फाउंडर है वो कौन है, ये भी यहाँ पे लिख लो, इनके जो फाउंडर है वो कौन है, यहाँ पे डर्खेम है, ठीक है, इनके जो फाउंडर है वो कौन है, डर्खेम है, ठीक है। दो पॉइंट मिल गए आपको यहाँ से। आइडेंटिफाई द लेटेंट रोल, इंपॉर्टेंट है, इसने क्या क्या फाइंड किया था, जो लेटेंट रोल होता है एजुकेशन का, ठीक है, डर्किम ने आइडेंटिफाई किया था लेटेंट रोल ऑफ एजुकेशन एज वन ऑफ द सोशलाइजिंग पीपल इनटू द सोसाइटी मेन स्ट्रीम, मतलब सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो एजुकेशन का लेटेंट रोल होता है, ठीक है, जो लेटेंट रोल होता है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। और इसे क्या बोला था, दिस मोरल एजुकेशन ही कॉल्ड इट, ठीक है, इसे क्या बोला था, मोरल एजुकेशन बोला था। हेल्प फ्रॉम मोर कोहेसिव सोशल स्ट्रक्चर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड व्हिच इक्वल्स द हिस्टोरिकल कंसर्न ऑफ पीपल, मतलब क्या है, यहाँ पे जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे उनको पास में लेकर आए थे, ठीक है, उनको एक साथ ला करके इन्होंने एजुकेशन देने की बात की थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंटरप्रेट करता है ईच पार्ट ऑफ अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ होल सोसाइटी, मतलब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है वो बताता है, मतलब ये इंटरप्रेट करता है कि किस सोसाइटी ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को एक होल सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है, उसको डिवाइड करने में नहीं, उसको होल बनाने में। सोसाइटी क्या है, मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है, सोसाइटी क्या है, अपने आप में ही एक होल है, ठीक है, हर सोसाइटी का अपना खुद का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू वो क्या करती है, इस होल की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखती है। डर्किम एक्चुअली इन्विसाइज सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, सोसाइटी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, जस्ट लाइक विद इन एन ऑर्गेनिज्म ईच कंपोनेंट प्लेज एन नेसेसरी पार्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सोसाइटी को क्या बोला, एक ऑर्गेनिज्म बोला है, ठीक है, डर्खेम ने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म बोला है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो एक अपना नेसेसरी जो भी उनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, हर कंपोनेंट क्या करता है, अपना नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी तरह सोसाइटी के भी हर कंपोनेंट को, हर पार्ट को अपना जो नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी जो वर्क है उसको करते रहना चाहिए, ठीक है। नन कैन फंक्शन अलोन एंड वन एक्सपीरियंसेस अ क्राइसिस और फेलियर, अदर पार्ट मस्ट अडैप्ट टू फिल द वॉइड इन अ सेम वे, कोई भी जैसे कोई भी जो पार्ट है, ठीक है, वो अकेले फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो अकेले फंक्शन करेगा तो उसको क्राइसिस होगा, ठीक है, फेलियर होगा, ये सारी चीजें होगी, तो जो दूसरे फंक्शंस हैं, दूसरे जो पार्ट हैं उस ऑर्गेनिज्म के, सोसाइटी के, उनको क्या करना चाहिए कि वो एक तरीके से अगर कोई गैप हो जाए तो उसको फिल करने की कोशिश करे, उस गैप को खाली ना रखें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म एन इंस्टीट्यूशन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज इट सर्व एज अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, ये एक तरीके के सोसाइटी फंक्शनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। इफ इट नो लॉन्गर सर्व एज अ रोल एन इंस्टीट्यूशन विल डाई अवे, अगर ये एक तरीके, ये अगर जो आपका
इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कैसे क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो एक सोसाइटी की फंक्शनिंग को कि में फंक्शन सोसाइटी को एक फंक्शन करने में के लिए, ठीक है, एक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये समाज के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है एज अ इंस्टीट्यूशन। अगर ये इंस्टीट्यूशन ना रह जाए अपने, मतलब अगर ये जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर वो उस तरह काम ना करे, ठीक है, वो सर्व ना करे लोगों की नीड को, ठीक है, सोसाइटी की नीड को, तो सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्हेन न्यू नीड इवॉल्व और इमर्ज, न्यू इंस्टीट्यूशन विल बी क्रिएटेड टू मीट देम। जब नई नीड इन्वॉल्व होगी, ठीक है, तो क्या होगी, नई चीजों को फिर से डेवलप किया जाएगा, नए इंस्टीट्यूशंस फिर से डेवलप किए जाएंगे, राइट। द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी शोज दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सोशल फैक्टर्स, ईच ऑफ विच इज डिजाइन टू फिल डिफरेंट नीड्स एंड ईच ऑफ विच हैज अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द फॉर्म एंड शेप ऑफ अ सोसाइटी। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी है वो बताती है जो भी जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, ठीक है, हर पार्ट का अपना कुछ फंक्शन है, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को उसको फुलफिल करना है, ठीक है, तो ये वाली चीज है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म एन इंस्टीट्यूशन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज इट्स, ये रिपीट हो गया क्या, हाँ आई थिंक ये रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हटा देना, ये रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये सारी चीजें किस कहां पे थी, अब इसका की पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। की पॉइंट में भी अगर आप इसको लिख लोगे ना तो सफिशियंट है, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। थ्योरी मैंने पूरी इसलिए यहाँ पे लिखी है जिससे आप अपने समझ पाओ कि थ्योरी में एक्चुअली बोला क्या गया है, क्योंकि हर चीज तो हम याद नहीं रख सकते ना, हमें समझना भी पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिज्म, राइट। इसको ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है ये मैक्रो सोशल अप्रोच है, ठीक है, मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, ये क्या है, एक लार्ज सिस्टम है, ठीक है, लार्ज सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट है जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, लार्ज, ये क्या है, लार्ज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, दैट वर्क टूगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, राइट। इसको दिया किसने है, इमाइल दर्खिम, ठीक है, इसको फाउंडर कौन है इसके, इमाइल दर्खिम है, क्लियर है ये चीजें, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और एक लोग का और नाम लिख लो, ठीक है, मतलब दो लोगों का इसमें, एक का नाम मैंने वहां पे नहीं लिखा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक है टैलकॉट पार्सन, ठीक है, टैलकॉट पार्सन, इनका भी नाम आता है यहाँ पे, ठीक है, टैलकॉट पार्सन, राइट। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो क्या है, ठीक है, एजुकेशन एक तरीके से सर्व करता है, सर्व सेवरल फंक्शन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। एजुकेशन जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट के कुछ, जैसे एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है, उसी तरह हर कंपोनेंट की अपनी अपनी फंक्शनिंग होती है। तो एजुकेशन एक तरीके से उनको सर्व करता है, ठीक है, कि वो सोसाइटी के लिए वो जो सेवरल जो पार्ट है, ठीक है, वो जो सेवरल पार्ट है अपनी फंक्शनिंग कर पाए सोसाइटी के अंदर। अब वो सेवरल जो पार्ट्स वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो सेवरल पार्ट की बात की जा रही है वो क्या है, सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको भी, सोशलाइजेशन हो गया, सोशल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है। और क्या हो गया, सोशल प्लेसमेंट हो गया, है ना, और जो भी उसमें जब वो सोसाइटी डाई हो जाएगी तो नई नीड निकल के आएंगी, तो उसी अकॉर्डिंग न्यू इनोवेशन होगा, है ना, तो सोशल इनोवेशन हो गया, ठीक है, सोशल इनोवेशन हो गया, ठीक है।
ये सब क्या है, इनके और भी कई सारे पार्ट है, ये तो बेसिक मैंने लिख दिया है, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन, सोशल प्लेसमेंट, सोशल इनोवेशन। उसके अलावा डर्केम ने बोला कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का क्या है, एक लेटेंट फंक्शन है, ठीक है। एजुकेशन में ये लेटेंट फंक्शन की बात की, ठीक है। ठीक, तो ये सारे आपके की पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और यहाँ पे लिख लो कि पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सोसाइटी ने सोसाइटी को किसने बोला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में इमाइल डर्केम ने सोसाइटी को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह माना है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और तो भी कुछ नहीं इसमें रह जाता है, यहाँ पे सारी चीजें हो गई। और तो माइक्रो फोकस तो हो ही गया था, है ना, बस इतनी ही चीजें हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, उसके कंपोनेंट होते हैं, है ना, ये वाली सारी चीजें। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या हो जाती है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, संघर्ष, है ना, संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द एजुकेशनल सिस्टम विच रीइन्फोर्सेस, ठीक है, जो एक मिनट को चेंज कर दूँ, जो रीइन्फोर्स करती है, परपिचुएट करती है सोशल इनइक्वालिटीज को, ठीक है। जो भी सोशल इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, जो अराइज हो रही है, ठीक है, डिफरेंसेस इन द क्लास, जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी, ठीक है। मतलब ये जो चीजें हैं आपकी, डिफरेंट क्लास, जेंडर, रेस, ये सब चीजें जो उत्पन्न होने वाली है, ठीक है, उनके उनको रीइन्फोर्स, मतलब उनपे ये काम कर, ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है, ठीक है, ये उनके उन चीजों, ये जो चीजें अराइज हो रही हैं उनपे ये काम करता है, ठीक है। सम इट्स पर्पस, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज बिलीव एजुकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट के सपोर्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि ये जो एजुकेशन है वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्टेट करता है, विच इज कंट्रोल बाय दोज विद द पावर। और उस स्टेट में दो जो वो लोग उस चीज को, इस एजुकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं जो पावरफुल है। इट्स पर्पस इज टू रिप्रोड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एज वेल एज द लेजिटिमाइज, ठीक है, लेजिटिमाइज करना एक्सेप्टेबल आइडियाज को, ठीक है, और इट इनइक्वालिटीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में, विच एक्चुअली वर्क टू री इन्फोर्स द प्रिविलेज पोजिशन ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। मतलब उन सब चीजों को बैन करने की बात की जा रही है, ठीक है। इनका ये जो उद्देश्य है, समाज में पहले से जो मौजूद इनइक्वालिटीज है, ठीक है, उसको उत्पन्न करना, और उसको मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो पावरफुल लोग है ना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, लेस पावरफुल वाले पावरफुल लोग को क्या कर रहे हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको चैलेंज करना, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज बिलीव दिस सोशल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज टू अकर बिकॉज द होल एजुकेशन सिस्टम इज ओवरलेन विद द आइडियोलॉजी प्रोवाइडेड बाय द डोमिनेंट ग्रुप। और ये जो रिप्रोडक्शन है, ये बार बार ये चीजें जो हो रही है, जो मोर पावरफुल जो बॉडी है वो क्या कर रही है, लेस पावरफुल वालों को कोर्स करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उनके जो शक्तिशाली लोग है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो कम शक्तिशाली लोग है उनपे वो उनको कोर्स करने की, मतलब क्या बोलते हैं कोर्स को, इसको क्या बोलते हैं, अपना शासन चला रही है ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, कोर्स कर रही है, ठीक है। तो उस ये चीज लगातार होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में पहले से है, एग्जिस्ट करती है ये चीज, ये हटाई नहीं जा सकती है, ठीक है। ये पहले से ही, ये विचारधारा हमारे अंदर भरी हुई है, ठीक है, ये विचारधारा पहले से ही चल रही है, ठीक है। सोसाइटी को क्या किया गया है, दो ग्रुप में बांट दिया गया है, सोसाइटी को दो ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसमें एक आते हैं डोमिनेंट लोग, ठीक है, डोमिनेंट लोग होते हैं, और एक होते हैं सबऑर्डिनेट लोग, ठीक है, एक होते हैं सबऑर्डिनेट लोग, ठीक है, सबऑर्डिनेट ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज थ्योरिस्ट, कंपटीशन ओवर स्कार्स रिसोर्सेज, यहाँ पे कंपटीशन किस पे होता है, स्कार्स जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो संसाधन है, ठीक है, ऑन इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बेसिस पे क्या होता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, सोसाइटी में संघर्ष होता है, बिकॉज रिसोर्सेज सच एज पावर हो गया, वेल्थ हो गया, ये सब क्या है, लिमिटेड है,
ठीक है, पीपल मस्ट कम्पीट विद अनदर फॉर वन अनदर फॉर देम, ठीक है, ये जो पावर है, वेल्थ है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, लिमिटेड है, लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, सीट दो ही है, ठीक है, दो ही सीट है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे 10,000 लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा उस पावर को पाने के लिए, ठीक है, उस रिसोर्स को पाने के लिए, उस वेल्थ को पाने के लिए, राइट. वन पर्टिकुलर ग्रुप गेन कंट्रोल ऑफ सोसाइटी रिसोर्स, एक बार एक ग्रुप ने क्या किया, उस सोसाइटी रिसोर्स पे कंट्रोल पा लिया, ठीक है, टू टेंड टू एस्टैब्लिश रूल एंड प्रोसीजर दैट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. दिस इनइक्वालिटी बिटवीन द ग्रुप लेड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एज दोज विद द लेस पावर गेन, ठीक है, यही जो चीज है, ठीक है, एक मतलब जो एक विशेष समूह है, ठीक है, एक ग्रुप जो है, ठीक है, जो पावरफुल है, जब उसको उसका कंट्रोल मिल जाता है तो वो क्या करता है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने तरीके से, अपने लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए वो सारी चीजों उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स और प्रोसीजर बनाने लगता है, जिससे क्या होता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है. ये जो पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, लेस वाले को क्या करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, है ना. और यही जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट क्या बन जाता है, लेट्स टू अ सोशल चेंज, ठीक है, ये क्या बन जाता है, सोशल परिवर्तन की तरफ लेके जाता है, सामाजिक परिवर्तन की तरफ लेके जाता है, ठीक है. द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सी सोशल चेंज एज एन इनविटेबल फीचर्स ऑफ सोसाइटी. जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ठीक है, वो ये जो सोशल चेंज है वो क्या है, एक तरीके का इनविटेबल फीचर है किसी भी सोसाइटी का, है ना. अब इनकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसको कॉन्स्टेंटली रिमूव करते रहो, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है. एवरीबडी शुड बी गिवन अ चांस टू कंटिन्यू विद एजुकेशन, हर किसी को चांस मिलना चाहिए. सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन कैन ओनली बी अचीव इफ दे आर अकॉम्पेड विद द वाइडर सोशल चेंज, ठीक है, तभी सभी को ये जो एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो तभी हो पाएगी, राइट. इसके भी कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं. एक मिनट, ये क्या हो गया, सब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जैसे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को क्या बोलते हैं, संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जो डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है ना, मतलब जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, है ना, उसके उन लोगों के बीच में क्या हो जाता है, डिस इक्विलिब्रियम आ जाता है ना. जो पावरफुल सोशल सोशल ग्रुप है वो क्या करते हैं, कोर्स करते हैं, कोर्स कोऑपरेशन होता है फ्रॉम द लेस पावरफुल, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो पावरफुल आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं, राइट, दैट कोर्स, अब कोर्स का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब यही होता है कि दास किसी पे को डोमिनेट करना, किसी को से अपनी बात मनवाना, ठीक है, कोर्स कोऑपरेशन होता है फ्रॉम द लेस पावरफुल, ठीक है. यहाँ पे सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सोशल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाती है, सोशल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज को, ठीक है, कोई रिसोर्सेज कौन से हो गए, आपके पावर वेल्थ हो गए, तो उसके लिए क्या हो करना पड़ता है, यहाँ पे हमें कम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कम्पीट करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सोसाइटी के बीच में, ठीक है. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सोसाइटी के बीच में, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेटेंट भी हो सकता है एंड मैनिफेस्ट भी हो सकता है, छुपा भी हुआ हो सकता है ये, ठीक है, और ग्रेजुअल भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी हो सकता है, आराम से भी हो सकता है, या फिर वॉयलेंटली भी हो सकता है, वॉयलेंट तरीके से, ठीक है,
तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसी में ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी आपकी, ठीक है, ये जो आइडिया था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का, ठीक है, ये मार्क्सिज्म से आया था, जिसमें उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने दो क्लास के बारे में बात की थी। एक, ये हमने कल डिस्कस किया था, एक था कैपिटलिस्ट क्लास, एक था आपका लेबर क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, मतलब जिनके हाथों में कंट्रोल होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो लेबर क्लास होता है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें थी, ठीक, क्लियर है यहाँ पे, तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना। तो ये यहाँ पे आपका, अभी आपका ये अप्रोचेस कंप्लीट हुई है ना। अब हम लोग देखेंगे कि वो था क्या, रह गया था आपका सोशल मूवमेंट क्या है ना। एक मेरे को ये स्लाइड है का, मैं देखूँ एक बार को, सोशल मूवमेंट देखना था, उसकी थ्योरीज को देखना था, है ना। व्हाट इज सोशल मूवमेंट, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका सेक्शन सी का, ठीक है। सोशल मूवमेंट क्या होता है ना, और उनकी थ्योरीज क्या क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। सोशल मूवमेंट क्या है, रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है और कुछ सेट ऑफ जो बिलीव्स होते हैं उसको ये लोग शेयर करते हैं, है ना, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं उसको ये सेट करते हैं। ये क्या है, सोशल मूवमेंट है, ये वाइट है, रुको। सोशल मूवमेंट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो कुछ सेट ऑफ बिलीव्स को, मतलब कुछ जो पहचान है, ठीक है, कुछ उनकी जो आइडेंटिटी है उसको वो साझा करते हैं। दीज एक्शंस आर इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सम फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। अब ये जो एक्शंस लिए गए हैं, मतलब एक जो पूरा ग्रुप बनाया गया है जिनकी सेम करेक्टर, सेम आइडेंटिटी है, या फिर सेम उनका कोई आंदोलन होगा, ठीक है, सामाजिक आंदोलन होगा, जिस वजह से उनको कलेक्ट किया गया है, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो एक सोशल चेंज लेके आते हैं, ठीक है। वो क्या लेके आते हैं, एक सोशल चेंज लेके आते हैं, और टू प्रमोट सोशल ऑर्डर। सोशल मूवमेंट आर पर्पसफुल, हमेशा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सोशल मूवमेंट कैसा होता है, पर्पसफुली ऑर्गेनाइज, पर्पसफुल होता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, दैट स्ट्राइव टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन सोशल गोल्स, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कॉमन सोशल गोल्स होते हैं या फिर डिफरेंट होता है, मतलब एक, कई सारे लोग एक सोशल गोल को लेकर के एक साथ किसी पर्पस के लिए एक ऑर्गेनाइज होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज बोली जा रही है। ये अपने हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिखना इस पॉइंट को। सोशल मूवमेंट्स कैसे होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, जो दैट स्ट्राइव टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन सोशल गोल। सोशल मूवमेंट आर ब्रॉड अलायंसेस ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड थ्रू देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन अ सोशल चेंजेस। मतलब ये है कि ये जो सोशल मूवमेंट हो रहा है ना, ये क्या होता है, एक तरीके का पूरा यहाँ पे जो भी ये जो लोग यहाँ पे जो जुड़ेंगे ना, वो जो भी सोशल मूवमेंट लेके आएंगे वो लोगों के हित के लिए होगा, ठीक है। सोशल मूवमेंट अकर्स व्हेन अ लार्ज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सोशल मूवमेंट कब होता है, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं अगेंस्ट चेंज इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। सोशल मूवमेंट अकर्स व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर अगेंस्ट इन अ सोशल सोशल एक सेकेंड रुको सोशल मूवमेंट अकर करता है व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर जब देखो एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ, इस चीज को समझना। सोशल मूवमेंट जो होता है कैसे होता है, जब क्या होते हैं कि बहुत सारे जब इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो में जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी एक चेंज को लाने के लिए, ठीक है, किसी एक चेंज को लाने, होता नहीं कि सब लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अभी भी देखो बिजली वालों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अपनी मांगों के लिए, है ना, तो सब वो वही जो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने किया नहीं था, कुछ 3-4 दिन का प्रोटेस्ट किया था, है ना, मतलब
अब वो अलग अलग हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिंपल से बात यहाँ पे समझाने की सिर्फ ये है कि जो सोशल मूवमेंट होता है वहां पे क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क करता है फॉर और अगेंस्ट चेंज इन सोशल, ठीक है, और पॉलिटिकल मैटर, मतलब उनके खिलाफ वे लोग काम करते हैं। ये जो आंदोलन किया जाता है, सामाजिक जो आंदोलन होता है, तब होते हैं जब व्यक्तियों या संगठनों के बड़े समूह सामाजिक या फिर राजनीतिक मामलों में परिवर्तन के लिए, या फिर वो ये क्या चाहते हैं, ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनमें कोई सुधार लाना चाहते हैं या फिर उनके खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तभी होता है ये आपका मूवमेंट लंच, ये इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, ये लुंडबर्ग करके है, ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था सोशल मूवमेंट को। ये कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, हमें ठीक है, ये कैसा होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, लोग खुद से यहाँ पे इंगेज होते हैं, ठीक है। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है पीपल का इंगेज इन अ कंसर्टेड एफर्ट टू चेंज एटीट्यूड, ठीक है, बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप इन अ लार्ज सोसाइटी, मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने खुद से वॉलेंट्री एसोसिएट करते हैं, एक साथ आते हैं कोई भी चेंज लाने के लिए, किसी एटीट्यूड में, किसी बिहेवियर में, या फिर सोशल रिलेशनशिप जो भी है किसी सोसाइटी में, और ये लार्ज लेवल पे होता है, ठीक है, वहां पे चेंज लाने के लिए होता है। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट आर दैट दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस विद क्लियरली आइडेंटिफाइड ओपोनेंट दैट आर लिंक्ड बाय डेंस इनफॉर्मल नेटवर्क एंड दे शेयर अ डिस्टिंक्ट कलेक्टिव आइडेंटिटी, देन सोशल मूवमेंट कैन बी थॉट ऑफ एन ऑफ एज ऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल। ये जो सोशल ऑर्गेनाइज मूवमेंट होता है ये ऑर्गेनाइज होता है, और ऑर्गेनाइज होते हुए भी ये कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दैट आर इंगेज इन एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अ गोल, ठीक है। ये किस लिए होता है, किसी गोल के टूवर्ड्स होता है। दीज गोल्स कैन बी आइदर एम्ड एट अ स्पेसिफिक एंड नैरो पॉलिसी, और भी मोर, ये जो एम्ड होगा, ये जो गोल होगा जिसमें वो सुधार लाना चाह रहे हैं या फिर उसके खिलाफ ये मूवमेंट कर रहे हैं, वो नैरो भी हो सकता है या फिर उनका कोई बड़ा एम भी हो सकता है, ठीक है, कल्चर में चेंज लाने के लिए, सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए का भी उद्देश्य वो हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है वो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है, अपनी कॉपी में यहीं पे लिख लो, मैं उधर नहीं बता रही। जो सोशल मूवमेंट होता है दो तीन पॉइंट से ही आप पहचान जाओगे, पूरा इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ से देख लो, वही चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। ये कैसा होता है, इफर्ट होता है बाय अ ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल के थ्रू नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप होता है, ठीक है। यह क्या करते हैं, इट्स एम टू ब्रिंग और रेजिस्ट अ चेंज इन द सोसाइटी, इनका एम होता है, इनका उद्देश्य होता है समाज में बदलाव लाना या फिर उसका विरोध करना, ठीक है, या फिर उसका विरोध करना। हिंदी वाले मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं डाली तो आप लोग हिंदी में इस चीज को लिख लेना, ठीक है। ये इनका ये उद्देश्य होता है कि समाज में सुधार लाना, बदलाव लाना या फिर उसका विरोध करना। इट मे बी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, ठीक है। पीसफुली भी किया जा सकता है, आराम से बैठ के धरना प्रदर्शन कर दो या फिर डंडे मार के करो, वॉयलेंटली कर दो, है ना। शांतिपूर्ण भी किया जा सकता है और हिंसक भी हो सकता है, जो कि हो जाता है, ठीक है। इट मे बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये काफी दिनों तक भी चल सकता है और कुछ टाइम में भी ये जल्द खत्म भी हो सकता है, डाई आउट सून, मतलब कुछ समय के लिए भी होता है और ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मूवमेंट है आपका, ठीक है, कौन सा आंदोलन, कौन सा चेंज लाना चाह रहे हो, ठीक है। अब आते हैं ये जो इनकी स्टेजेस मैंने डाली है यहाँ पे, चलो मैं भी बता दूंगी, पहले टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स में क्या है, रिफॉर्म्स मूवमेंट है, सुधार आंदोलन, ठीक है, रिफॉर्म करना, हम यहाँ पे सुधार लाना चाह रहे हैं। रिवोल्यूशनरी, ये कैसा है, क्रांतिकारी आंदोलन है ना। रिएक्शनरी, मतलब हम चेंज करना चाह रहे हैं, प्रतिक्रियावादी या फिर पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। प्रतिरोध करना, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्ट करने की बात हो रहा है, इसको सिर्फ की पॉइंट्स का ध्यान रखो। दे आर ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट रिफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक एरिया में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। द रिफॉर्मर्स एंडेवर टू चेंज एलिमेंट ऑफ द
सिस्टम फॉर बेटर, ठीक है। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, बेटरमेंट के लिए होते हैं। जैसे लाइक आपका सिविल राइट मूवमेंट हो गया, वुमेन का लिबरेशन मूवमेंट हो गया, आर्य समाज मूवमेंट हो गया, ब्रह्म समाज मूवमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे जो संगठन, एक साथ जो लोग इकट्ठे होते हैं वो किसी सुधार को लाने के लिए होते हैं, और ये सुधार कैसा होता है, बेटर होता है, ठीक है, हम बेहतर बनाने के लिए होता है। ये सुधार कैसा होता है, बेहतरी के लिए होता है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करते हैं, डिनाइज दैट द सिस्टम विल इवन वर्क, है ना। दीज मूवमेंट आर डीपली डिससेटिस्फाइड विद द सोशल ऑर्डर एंड वर्क फॉर रेडिकल चेंज। ये जो लोग होते हैं, मतलब क्रांतिकारी, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो, मतलब जो भी आपके जो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर रहा, उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो, तो आप यहाँ पे क्या होता है, मतलब आप पूरी तरीके से असंतुष्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है कैसा होता है, ये एक तरीके से रेडिकल चेंज लेके आता है, ठीक है, रेडिकल चेंज लाने की बात करता है, ठीक है। दे एडवोकेट रिप्लेसिंग द इंटायर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बात करते हैं, ये एडवोकेट करते हैं, सब की पॉइंट है आपके, एडवोकेट करते हैं रिप्लेस कर दो पूरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, ये गवर्नमेंट को ही हटा दो, है ना। हम बोलते नहीं गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, मतलब कुछ हुआ तो इस गवर्नमेंट को ही हटा दो, इस पूरे सिस्टम को ही, पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज करो, है ना। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। इनका उद्देश्य होता है ये जो सोसाइटी है उसको क्या करो, फिर से रीऑर्गेनाइज करो इन अकॉर्डिंग विद देयर ओन आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, ठीक है। उसको ये बदलने की वकालत करते हैं। जनरली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिकम्स वायलेंट। ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है वो ज्यादातर वायलेंट हो जाता है ना, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो वायलेंट होता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोटेस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए, ये जो मैंने की पॉइंट में अंडरलाइन किए हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट हो गया, सोशलिस्ट मूवमेंट हो गया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, है ना। कल हम लोगों ने जब कार्ल मार्क्स की बात की थी, ठीक है, तो वहां पे कम्युनिस्ट करके वर्ड आया था, याद होगा आप लोगों को। रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की अगर बात करते हैं, सम मूवमेंट्स आर नोन एज रिएक्शनरी और सम रिग्रेसिव, ठीक है। कुछ जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो कैसे होते हैं, रिएक्शनरी होते हैं या फिर रिग्रेसिव मूवमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, रिग्रेसिव मूवमेंट्स होते हैं, है ना, प्रतिक्रियावादी, ठीक है। दीज एम टू, अब ये क्या करते हैं, चेंज करने की बात नहीं करते, ये क्या करते हैं, रिवर्स करने की बात कर, मतलब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, परिवर्तन कर दो पूरे सिस्टम को। यहाँ पे सिस्टम से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्स करते हैं उस सोशल, जो सोशल चेंज आ गया है उसको रिवर्स करने की बात करते हैं। वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस एंड ग्रेटनेस ऑफ अ ट्रेडिशनल वैल्यूज, आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। दे स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द फास्ट मूविंग चेंज ऑफ द प्रेजेंट। ये क्या करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को बताते हैं, और जो प्रेजेंट में ये तेजी से जो ये बदलाव होता जा रहा है उसकी ये आलोचना करते हैं, ठीक है। ये रिवर्स करने की बात करते हैं, पूरा रिवर्स कर दो इस चेंज को, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक है। दीज मूवमेंट आर फॉर्म टू रेजिस्ट अ चेंज दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी। मतलब जो हो चुका है उसको क्या करना है, जो चेंज हो चुके हैं ना उसको रजिस्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। पहले से हो रहे बदलाव का विरोध करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। उस रजिस्ट करो उस चेंज को, दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी। जो पहले से ही सोसाइटी में चीजें हो चुकी हैं उसको रजिस्ट करने की बात करते हैं। दिस कैन बी डायरेक्टेड अगेंस्ट सोशल एंड कल्चरल चेंज विच आर ऑलरेडी हैपनिंग इन द कंट्री। ये ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं, अब उसको हमें क्या करना है, उस ये आंदोलन समाज में पहले से हो रहे बदलाव का विरोध करता है, ठीक है। पहले से हो रहे बदलाव का विरोध करने के लिए इसको बनाया गया, रेजिस्टेंस मूवमेंट को, ठीक है। अब आता है यूटोपियन मूवमेंट। दीज आर अटेम्प्ट टू टेक द सोसाइटी और अ सेक्शन ऑफ इट टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ परफेक्शन, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, स्टेट ऑफ परफेक्शन, राइट, ये इसका की पॉइंट है। दीज आर लूजली स्ट्रक्चर्ड कलेक्टिविटीज दैट इनविजन अ रेडिकली चेंज एंड ब्लिसफुल स्टेट, ठीक है। आइदर अ लार्ज स्केल पे भी हो सकते हैं, समटाइम्स इन द फ्यूचर, और ऑन अ स्मॉलर स्केल एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यूटोपियन मूवमेंट है, राइट। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, एक मिनट में लाइट जला दूं। स्टेजेस जो हैं वो मैंने इसमें शायद नहीं लिखी हैं,
मुझे अभी कराते हैं, जब मैं अभी करा रही थी तब मुझे ध्यान आया कि इनकी सोशल जो मूवमेंट होता है वो कुछ स्टेजेस में होता है। देखो, स्टेजेस कहने का मतलब है कि डायरेक्टली आप जाओगे तुरंत ही सोशल चेंज लेके आ जाओगे, नहीं ना। कोई भी मूवमेंट होता है तो कुछ स्टेजेस में होता है। प्रिलिमिनरीज की स्टेज होती है, कॉलेसेंस स्टेज होती है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज होती है। उसके बाद क्या होता है, सभी लोग उस मूवमेंट को, उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है हमेशा कुछ स्टेजेस पे होती है। तो वो शायद मैंने बनाया ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। अभी मैं करा रही थी तब मुझे याद आया इस चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अपनी कॉपी में स्टेजेस लिख लो। स्टेजेस से शायद आया है क्वेश्चन, एक बार देखना आप लोग PYQ में, आप लोग भी देखा करो कि किसी क्वेश्चंस आए नहीं आए। वैसे जब हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा Unit 1, उसके बाद हम लोग पूरा PYQ करेंगे 2018 से, ठीक है। पहले 2018 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपके PYQs आए हैं, ठीक है, वो सारे को हम करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग भी देखना कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग भी देखना। स्टेजेस इधर लिख दूँ, स्टेजेस के नाम याद रखो आप लोग, ठीक है। स्टेजेस ऑफ, मुझे लग रहा है मैं स्लाइड बना रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया कि कोई भी मूवमेंट होता है कुछ स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत बस आज गए, आज ही मूवमेंट आ गया, आंदोलन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ उसके चरण होते हैं। जो पहला होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है, बोलने में भी प्रिलिमिनरी स्टेज है ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था। दूसरी क्या है, दूसरी स्टेज होती है क्वालेसेंस, ठीक है, क्वालेसेंस स्टेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं सम्मिलन चरण, ठीक है, सम्मिलन चरण। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है, हिंदी वालों भी। क्वालेसेंस स्टेज, ठीक है, हिंदी में होता है सम्मिलन, सम्मिलन चरण, ठीक है। और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस, चिपक रहा है आज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस स्टेज, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को, एक मिनट बता रही हूँ, हाँ, इसको बोलते हैं संस्थागतकरण, संस्थागतकरण, ठीक है। चौथी स्टेज होती है जब क्या होता है, व्हेन पीपल फॉल अवे एंड अडॉप्ट अ न्यू मूवमेंट, ठीक है। जब दो दो लोग होते हैं उस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अडॉप्ट द न्यू मूवमेंट, जो भी वो जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको आंदोलन है उसको क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर द 4 स्टेजेस, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है, मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, चाहो तो अपनी कॉपी में अकॉर्डिंगली उसके लिख भी लेना, ठीक है। प्रिलिमिनरी जो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है, पीपल को अवेयर कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पीपल बिकम अवेयर ऑफ एन इशू, जो इशूज हो रहे हैं ना उनके बारे में वो क्या, उनको जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो नेता लोग होते हैं पहले बताते हैं कि हाँ ये सब चीजें हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसका जो लीडर होगा, ठीक है, वो सोशल मूवमेंट जो लाना चाह रहा है वो पहले आपको जागरूक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जागरूकता लाना क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, मतलब पीपल बिकम अवेयर ऑफ एन इश्यूज, है ना। फिर आता है कॉलेसेंस स्टेज। कॉलेसेंस स्टेज में क्या होता है, जब लोगों को जब अवेयरनेस आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर जुड़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन पीपल ज्वाइन टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू पब्लिसाइज द इश्यूज एंड रेज अवेयरनेस। अब फिर लोग क्या करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल का था, ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, पूरा पूरा एक ग्रुप जुड़ने लगे, एक एक इंडिविजुअल जुड़ने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, पब्लिसाइज किया उसको, पब्लिसाइज करके लोगों को
अवेयर कराया, ठीक है, अब पब्लिसाइज करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर का यूज किया, टीवीज का यूज किया, है ना, इन सब चीजों का। तो ये होती है कोलेसेंस स्टेज, है ना। फिर आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है कि अब ये जो मूवमेंट हो गया ना, मतलब अब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, हम इन्वायरमेंट में जो चेंज लेना चाह रहे हैं ना, अब वो सिर्फ हमारी कॉलोनी तक नहीं रह गया, अब वो एक बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो गया, रह गया। द मूवमेंट नो लॉन्गर रिक्वायर ग्रास रूट वॉलंटरीज, ठीक है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या, ये जो मूवमेंट हो गया है वो एक सिर्फ ग्रास रूट वॉलंटरीज हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक कॉलोनी का ये लोग सिर्फ नहीं चाहिए, अब ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं उसके लिए, उसके लिए उसको पब्लिसाइज करने के लिए सारी चीजों को, जो भी चीजें हो सकती है उसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए उनको पेड भी किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका न्यू मूवमेंट, ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं उस मूवमेंट, ये मूवमेंट फिर वो जो मूवमेंट होता है, हम लोग आज के टाइम में इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, मतलब हम लोगों ने उस मूवमेंट को एक्वायर कर लिया। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, काटते नहीं है पेड़ों को, है ना। तो वही क्या है, ये क्या है, हम लोगों ने उस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहली स्टेज में क्या होता है, लोग हमको जागरूक किया गया कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, उसके बाद कोरोना आया जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वाली चीज हो गई, ठीक है। तो ये क्या थी, ये सब चीजें जागरूक की गई। फिर उसके बाद कोलेसेंस स्टेज आया जहाँ पे लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, किसी ने एक पेड़ लगाया, फिर एक ने देखा, फिर उसी को देख देख करके फिर 10 लोगों ने और पेड़ लगाया, इस तरह करते करते 1000 पेड़ लग गए, 1000 से फिर वो क्या हो गया, लाखों में हो गया, फिर करोड़ों में हो गया, फिर उसके अलावा एक इन्वायरमेंट डे ही बनने लगा, ठीक है। तो फिर अब ये इन्वायरमेंट डे क्या हो गया आपका, फिर ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज हो गई जहाँ पे ये एक लार्ज लेवल पे हो गया, सिर्फ ग्रास रूट वॉलंटरीज यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा बन गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अब उसके लिए काम करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे स्टाफ होंगे, पेड स्टाफ होंगे, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजेस थी सोशल मूवमेंट की, राइट। आ जाओ अब आते हैं इनकी थ्योरीज पे। थ्योरीज की अगर बात करें तो आपकी रिलेटिव डेप्रिवेशन था पॉलिटिकल, ये तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो कोई नहीं, रिलेटिव डेप्रिवेशन, है ना। और क्या था आपका, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। देखो ये जो थ्योरीज है ना, कोशिश करना इसको की पॉइंट से जरूर याद रखना, ठीक है, कोशिश करना, क्योंकि इस बारी को क्वेश्चन इसमें से आया था आपका। ये चारों थ्योरीज के नाम, तीन थ्योरीज के नाम थे वहां पे, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दे दी गई थी, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा थ्योरी है इसमें या नहीं है सोशल मूवमेंट का, है ना। तो इसका सिर्फ की पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, कॉपी में लिखना, जो मैंने स्लाइड में बनाया है उसको कॉपी में लिखना, बट स्टिल की पॉइंट से अपने दिमाग में रखना, ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया, न्यू सोशल मूवमेंट हो गया, और पॉलिटिकल प्रोसेस हो गई, और पॉलिटिकल प्रोसेस हो गई, क्लियर है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन, ठीक है, मतलब हाँ, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, ठीक है। देखो पहले इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ लेते हैं, है ना, ये स्लाइड से आपकी, पहले इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके की पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट ऑफ डिप्रिवेशन थ्योरी, ठीक है, ये जो डिप्रिवेशन थ्योरी थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, दो ब्रांचेस है, एक है एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन, ठीक है, एक होता है रिलेटिव डिप्रिवेशन। हमें पढ़ना क्या है, रिलेटिव डिप्रिवेशन पढ़ना, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट भी डाल दिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन क्या होता है, द प्रोपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन ट्रीटेड दीज ग्रीवनेस ऑफ द अफेक्टेड ग्रुप इन आइसोलेशन, ठीक है, ये आइसोलेशन की बात करते हैं, फ्रॉम द ग्रुप पोजिशन इन अ सोसाइटी। जो प्रोपोनेंट है रिलेटिव डिप्रिवेशन के, ऑन द अदर हैंड रिगार्डेड अ ग्रुप टू बी एन डिसएडवांटेजियस पोजिशन पे है, ठीक है, सम अदर ग्रुप इन दैट सोसाइटी, ठीक है। अब इसको हम भाई आगे समझते हैं, यहाँ पे देखो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की बात करते हैं। डेप्रिवेशन जो थ्योरी है आर्ग्यू करती है दैट सोशल मूवमेंट हैव देयर फाउंडेशंस अमंग पीपल हु फील डिप्राइव्ड ऑफ सम गुड्स, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, उनको कुछ चीज़ों की, उनके वो कुछ गुड्स की, कुछ रिसोर्सेज की वो कमी महसूस करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंडिविजुअल हु आर लैकिंग सम गुड्स सर्विसेज और कम्फर्ट आर मोर लाइकली टू ऑर्गेनाइज द सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव डिफेंड देयर कंडीशन, मतलब वो क्या करते हैं, ये जो जिस चीज़ों की उन्हें कमी हो रही है, ठीक है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो इस सोशल मूवमेंट, यहाँ पे ये डिप्रिवेशन थ्योरी में आते हैं वो, ठीक है। सोशल साइंटिस्ट हैव साइटेड रिलेटिव डिप्रिवेशन जो है, ठीक है, एज अ पोटेंशियल कॉज, ठीक है, सोशल मूवमेंट का
का एक पोटेंशियल कॉज क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन है। रिलेटिव डेप्रिवेशन कहने का मतलब है कुछ चीज अपने आप को रिसोर्सेस से, कुछ जो गुड सर्विस है या फिर कंफर्ट है, ठीक है, उनसे खुद को कमी महसूस करना उसकी, ठीक है, उससे मतलब खुद को वांछित महसूस करना, है ना। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है, एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग डेप्राइव्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखना, बीइंग डेप्राइव्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, टू विच वन फील्स टू इंटाइटल, ठीक है, मतलब हम किसी चीज का कमी महसूस करते हैं जिसके हम हकदार हैं, ठीक है, किसी ऐसी चीज से वंचित होने का ये अनुभव है जिसके लिए कोई हकदार महसूस करता है, ठीक है, ये की पॉइंट है आपका, जिसके लिए वो हकदार अपने आप को समझता है कि ये हाँ ये चीज मेरे पास होनी चाहिए लेकिन वो मेरे पास नहीं है। इट रिफर्स टू द डिसकंटेंट दैट पीपल फील व्हेन दे कंपेयर देयर पोजीशन टू दोज अराउंड देम एंड रियलाइज दैट दे हैव लेस ऑफ दैट व्हिच दे बिलीव देमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड। मतलब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ आज ये फ्रिज, हमारे यहाँ उसके यहाँ डबल डोर की फ्रिज है, हमारे यहाँ पास ये फ्रिज नहीं है, उसके यहाँ कार है, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास भी ये चीज होनी चाहिए, है ना, तो ये वाली चीज बोलते हैं, मतलब हमारे पास भी वो होनी चाहिए। इससे क्या, इसके लिए वो क्या करते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशंस के साथ अपनी तुलना करते हैं और महसूस करते हैं उनके पास इस चीज की कमी है, ठीक है, उस चीज की कमी है, अब उन्हें क्या करना है, इस चीज की कमी को पूरा करना है। हमारे पास फोर व्हीलर कार नहीं है, ठीक है, लेकिन पड़ोसी के पास है, ठीक, तो हमको क्या लग रहा है, हमारे पास कार नहीं है, ठीक है, तो हम इस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे, ये रिलेटिव डेप्रिवेशन में आता है, राइट। दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन हैज अ पोटेंशियल टू लेट पोलिटिकल वायलेंस सच एज राइटिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, मतलब ये एक तरीके से उसका भी हिंसा भी का काम करती है, उसको भी बढ़ावा दे सकती है, दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक है, इन सब में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जब हम किसी चीज की कमी, अब ये कार की कमी महसूस करना तो अलग चीज हो गई, ठीक है। फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन आर रिलेटिव एज दे कम फ्रॉम अ कंपेरिजन ऑफ सोशल कंपेरिजन टू सोशल नॉर्म्स दैट आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड अदर यूजली डिफर फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। दिस डिफरेंशिएट रिलेटिव डिप्रीवेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव डिप्रीवेशन ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ऐसी चीजों से तुलना होती है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, है ना, अपने आप से वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट होते रहते, मतलब समय तो समय और जगह के अनुसार वो बदलते रहते हैं, है ना, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, है ना। यह सापेक्ष अभाव की उद्देश्य, अभाव जिसे पूर्ण अभाव या पूर्ण गरीबी के रूप में भी जाना जाता है, से अलग है। यहाँ पे वो पूरी तरह से गरीब नहीं है, आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब नहीं हो ना, ठीक है, बस आपको उस चीज की कमी महसूस हो रही है, आपके पास लैपटॉप नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड के पास लैपटॉप है, तो आपको उस चीज की कमी महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो पूरी तरीके से, है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, है ना, ये चीज बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट। एक मिनट, चार्जर कहाँ गया मेरा, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से ये एब्सोल्यूट पावर्टी नहीं है, है ना, ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, इसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज की कमी महसूस कर रहे हो, है ना, बस ये चीज है यहाँ पे। दिस लेड्स टू एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, व्हाइल द ऑब्जेक्टिव डेप्रिवेशन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड मे चेंज ओवर अ टाइम, रिलेटिव डेप्रिवेशन विल नॉट, ठीक है, एज लॉन्ग एज सोशल इनइक्वालिटी परसिस्ट एंड सम ह्यूमंस आर बेटर ऑफ देन अदर्स। मतलब यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर जाता है, जबकि दुनिया में जो गरीबी है वो क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है, लेकिन ये सापेक्ष अभाव नहीं होगा जब तक कि सामाजिक असमानताएं असमानता बनी रहती है और कुछ मनुष्य दूसरों की तुलना में बेहतर होते हैं। सिंपल सी बात है, ये चीज जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना, कि हम किसी चीज का जो डेप्रिवेशन फील करते रहते हैं ये रहेगी, ये एब्सोल्यूट है, ये नहीं हट सकती है, है ना। ये जो अगर हम पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, ठीक है, ये क्या है, ये चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्टिव जो डेप्रिवेशन है वो चेंज हो सकता है, बट ये जो आपका रिलेटिव डेप्रिवेशन है वो चेंज नहीं हो सकता, है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से बेहतर होता है ना, हर इंसान, आज आपको हो सकता हो कि आपके पास कुछ कम की जॉब हो,
किसी के पास उससे ज्यादा सैलरी वाली जॉब हो, ठीक है, तो आपको कमी लग रही है, हो सकता है आप फिर कुछ टाइम के बाद उस पोस्ट पे पहुंच जाओ जिस पे वो पहले से था, ठीक है, तब भी क्या होगा, आपको कमी महसूस होगी क्योंकि वो आपसे ऊपर पोस्ट पे चला गया है ना। तो ये वाली चीज है, तो ये रहेगी आपकी, ये कैसा है, चेंज नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन मे बी टेम्पोरल, ये जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है ये कैसा है, टेम्पोरल है, ठीक है, इट कैन बी, ये सिर्फ हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से वेल्थ है, ठीक है, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस हो किया जा रहा है, ठीक है। सच फिनोमेना आर नोन एज अनफिल्ड राइजिंग, मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब अपूर्ण रह जाती है, अनफुलफिल्ड जो हमारे डिजायर्स हैं वो है ये सारी चीजें, ठीक है। देर आर टू सिग्निफिकेंट, यहाँ पे दो सिग्नि इस थ्योरी में दो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्या है वो महत्वपूर्ण समस्याएं, सिंस मोस्ट पीपल फील डिप्राइव एट वन लेवल और अदर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, द थ्योरी हैज अ हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग वाई द ग्रुप दैट फॉर्म सोशल मूवमेंट डू वेन अदर्स पीपल आर ऑल्सो डेप्राइव्ड। मतलब कुछ लोग हैं कि मतलब एक ही टाइम पे, मतलब एक ही लेवल पे उनको लगता है कि हाँ हमको इस चीज की कमी है, कुछ लोग को मतलब हमेशा ही वो चीज लगती है ना। तो ये चीज है, तो ये बताते हुए कि सामाजिक आंदोलन बनाने वाले समूह ऐसा क्यों करते हैं जब अन्य लोग भी वंचित होते हैं। सेकेंड रीजन क्या है, बिहाइंड दिस थ्योरी इज अ सर्कुलर, ठीक है, मतलब ये कैसा है, गोलाकार है एक तरीके से, ठीक है, मतलब आज मतलब ये जो सामाजिक ये आंदोलन है, ठीक है, ये जो अभाव है ये एक तरीके, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन में, ठीक है, कुछ की पॉइंट में आप ये लिख लो, पहला तो ये लिख लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं उनके पास कुछ चीज नहीं होती है, अ पर्सन डज नॉट हैव समथिंग, है ना, अ पर्सन डज नॉट हैव समथिंग, हमारे पास फोर व्हीलर कार नहीं है, ठीक है, हमें इस चीज की कमी हो रही है, ठीक है, ठीक है, अ पर्सन वॉन्ट टू, ठीक है, पर्सन डज नॉट हैव समथिंग, कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, दैट पर्सन नोज अदर पीपल हु हैव द थिंग, ठीक है, दैट पीपल, देखो यहीं से पूरी कहानी का सार आपको मिल जाएगा, दैट पर्सन नोज द पर्सन हु हैव द थिंग, मतलब हम मैं ऐसे किसी इंसान को जानती हूं जिसके पास वो कार है, जो कार मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास वो कार नहीं है ना। फिर तीसरे पॉइंट में क्या आता है, दैट पर्सन वॉन्ट टू हैव द समथिंग, अब मुझे वो कार चाहिए, ठीक है, अब मुझे वो कार चाहिए, ठीक है, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू हैव द थिंग, ठीक है, वो चीज वो चाहता है, अब उसको वो चीज चाहिए, ठीक है, अब उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, मतलब दैट पर्सन बिलीव्स दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग द थिंग, मतलब वो ऐसा विश्वास करेगा कि हाँ मेरे पास भी उतने पैसे आएंगे कभी ना कभी जिससे मैं वो कार को खरीद पाऊंगा, मुझे भी ऐसा कुछ, मतलब मैं इतना हार्डवर्क करूंगा या फिर कुछ ऐसी जॉब करूंगा जिससे मैं उस चीज को, उस जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल पाएगी, ठीक है, ये चीजें हम बोल रहा है, ठीक, दैट पर्सन बिलीव्स बिलीव्स दे हैव, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे आप रिलेटिव डेप्रिवेशन को समझ पाओ, ठीक है, दैट पर्सन बिलीव्स दे हैव अ रीजनेबल, दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग द थिंग, चांस ऑफ गेटिंग द थिंग, ठीक है, तो ये चीज बोलना है यहाँ पे, राइट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लेना, जिससे आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, और आपको ये बात याद भी रह जाएगी रिलेटिव डेप्रिवेशन में होता क्या है, ठीक है। अ सोशल मूवमेंट यूजली स्टार्ट बिकॉज द पीपल आर, देखो ये की पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है, बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाले जो मैंने एग्जाम्पल लिखा इससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अ सोशल मूवमेंट यूजली, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी एक की पॉइंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे एक तरीके से, सोशल मूवमेंट यूजली स्टार्ट होता है क्योंकि पीपल किस चीजों से अनहैप्पी होते हैं, ठीक है, वो क्या है, अनहैप्पी है क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, है ना,
द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी आर द आर दैट वाइल परसेप्शन ऑफ डेप्रिवेशन मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर द कलेक्टिव एक्शन. मतलब ये जो परसेप्शन है किसी चीज की कमी होना भी बहुत जरूरी है किसी सोशल मूवमेंट लाने के लिए. ठीक है, दे आर नॉट अ सफिशियंट रीजन इन देमसेल्फ. ठीक, अब आते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन. ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब जहां पे संसाधन जुटाने का सिद्धांत, मतलब यहाँ पे जो भी आंदोलन होता है ना, यहाँ पे हम किस पे जोर देते हैं, रिसोर्सेस पे देते हैं. किस पे जोर देते हैं, रिसोर्सेस पे जोर देते हैं. इट इम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन सोशल मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे किसको सोशल मूवमेंट ने किसको देते हैं, डेवलपमेंट एंड सक्सेस रिसोर्सेज को देते हैं. रिसोर्सेज आर अंडरस्टूड हेयर टू इंक्लूड नॉलेज हो गया. यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो सकती है, आपकी नॉलेज हो सकती है, मनी हो सकती है, मीडिया हो सकता है, लेबर हो सकता है, सॉलिडिटी हो गया, लेजिटिमेसी हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल जो सपोर्ट मिल रहा है पावर एलाइड से, है ना. द थ्योरी आर्ग्यूज दैट सोशल मूवमेंट डेवलप व्हेन इंडिविजुअल विद ग्रेवनेस आर एबल टू मोबिलाइज सफिशियंट रिसोर्स टू टेक एक्शंस. मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज कर पाते हैं, जुटा पाते हैं. द एम्फेसाइज ऑन रिसोर्सेज ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन व्हाई सम डिसकंटेंटेड एंड डिप्राइव्ड इंडिविजुअल आर एबल टू ऑर्गेनाइज व्हाइल द अदर्स आर नॉट. मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि कुछ लोग क्यों इस चीज इन रिसोर्सेज को इकट्ठे कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे. इट ऑल्सो डिवाइड सोशल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन अमंग अदर सोशल मूवमेंट. यहाँ पे पोजिशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है. दिस हेल्प सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड देम इन रिलेशन टू अदर सोशल मूवमेंट. ठीक है, मतलब एक तरीके से एक हाउ मच इन्फ्लुएंस डज वन थ्योरी और मूवमेंट हैव एन अनदर. मतलब कितना प्रभाव पड़ता है एक थ्योरी की जो समझ है दूसरी थ्योरी के एक थ्योरी का जो समझ है वो मूवमेंट दूसरी जो मूवमेंट है, ठीक है, उस पर कितना उसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, इनके कुछ फीचर्स हैं, ये वाला ना भी लिखो तो चलेगा लेकिन ये वाला पॉइंट लिख लेना. ठीक है, फीचर्स में अगर बात करें, ये ग्राउंड होते हैं फॉर प्रोटेस्ट इन अ मॉडर्न पॉलिटिकली एंड प्लूरिस्टिक सोसाइटीज बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टेंट डिस्कंटेंट होता है ग्रेवनेस और डेप्रिवेशन में. दिस डी इम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर एज इट मेक्स देम ऑबिक्यूटर्स. मतलब यहाँ पे शिकायतें या फिर अभाव होते हैं उन पे ये जोर किया जाता है. एक्टर्स आर रैशनल्स. ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्टर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं. दे आर एबल टू वे द कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम मूवमेंट पार्टिसिपेशन. मतलब वो जो भी इस मूवमेंट में जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, उनको उस चीज को करने के लिए वो क्या है, सक्षम है. मेंबर्स आर रिक्रूटेड थ्रू नेटवर्क. यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे रिक्रूट किए जाते हैं, नेटवर्क के थ्रू. कमिटमेंट इज मेंटेन्ड बाय बिल्डिंग्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूइंग टू नर्चर इंटर पर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात ये है, जो भी सोशल मूवमेंट है, ठीक है, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज का जरूरत होता है, ठीक है, मतलब जो भी संसाधन का जरूरत होता है, तो ये लोग यहाँ पे उसके लिए सक्षम होते हैं, है ना, उन रिसोर्सेज को जुटाने के लिए. जो मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिजेंट अपॉन द एग्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, एकीकरण पर निर्भर करता है ये सोशल मूवमेंट. ऑर्गेनाइज किया जाता है रिक्वायर रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ लीडरशिप. ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल सा की पॉइंट है, देखो ये फिल करता है गैप ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन. जो रिलेटिव डिप्रिवेशन की थ्योरी में गैप था, मतलब जिस चीज की कमी थी उसको ये क्या कर देता है, फिल कर देता है, उस रिसोर्स को यहाँ पे फिल कर देता है. By providing that apart from feeling of deprivation, resources are also necessary to raise a movement. मतलब किसी भी movement को हमें आगे चलाने के लिए resources की जरूरत होगी. ठीक है, it argue that participant of a social movement behave rationally. उन्हें rationally behave करना चाहिए apart from ideology and spirit. A social movement needs material resources. जो social movement है वहाँ पे material resources की जरूरत होती है. तो simple सी बात यही है कि यहाँ पे जो भी पहली जो theory थी relative deprivation, जिन चीज़ों की वहाँ पे कमी हो रही थी उस gap को ये जो आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है. क्योंकि किसी भी मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की, मटेरियल रिसोर्सेज की. ठीक है, अब न्यू सोशल मूवमेंट जो थ्योरी है ना, अब आ जाते हैं न्यू सोशल मूवमेंट. ये फोकस किस पे करता है, फोकस करता है ऑन द इशू रिलेटेड टू ह्यूमन राइट. ठीक है, ये किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन इशू रिलेटेड टू ह्यूमन राइट. जो भी इशू रिलेटेड है ह्यूमन राइट से रिलेटेड है. ठीक है, रेदर देन ऑन, ये लाइन ही लिख लो अपनी कॉपी में, इसी लाइन से पूरा आपका ये जिस्ट निकल जाएगा, रेदर ऑन मटेरियलिस्टिक कंसर्न.
मटेरियलिस्टिक कंसर्न सच एज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सच एज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अपनी कॉपी में ये चीज लिख लो। ठीक है, ये फोकस किस पे करता है? इशू रिलेटेड टू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड ये जो मानव अधिकार होते हैं, ठीक है, उन पे ये फोकस करता है, उनसे रिलेटेड इश्यूज पे ये फोकस करता है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों पे कंसर्न नहीं है। ठीक है, चाहे वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी इज अ मोर रिसेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमर्जिंग सोशल मूवमेंट, द टर्म इज ऑफन इसे अल्बर्ट मेलकी ने दिया था। ठीक है, हु रोट द न्यू सोशल मूवमेंट From ideology to identify that the element of newness, newness is a relative concept. यहाँ पे newness की बात की गई थी। ठीक है, कुछ नया यहाँ पे new ये जो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा ये मैंने जो पूरी थ्योरी लिखी है, इन दिस केस द फ्रेज न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी यूज करता है टू सिग्नल, एक तरीके से सिग्नल की तरह काम करता है, कंपेरेटिव डिफरेंस जो होता है हिस्टोरिकल फॉर्म्स ऑफ क्लास में, हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड टूडे इमर्जेंट फॉर्म ऑफ क्लास कलेक्टिव एक्शन, मतलब जो पहले से, ठीक है, जो ये जो नयापन जो विचारधारा है, ठीक है, वहां पे जो नयापन आया है हिस्टोरिकल जो क्लास, मतलब पहले की जो विचारधारा थी तो आज का जो है उसके बीच में ये डिफरेंसेस को कंपेयर करता है। मेलकी बिलीव दैट एज ऑफ लेट इकोनॉमिक क्लासेस रियल सोशल ग्रुप आर विदरिंग अवे एंड सो न्यू कंसेप्ट टू डिस्क्राइब हाउ पीपल आर ऑर्गेनाइज एंड नेसेसरी, मतलब ये जो वास्तविक समाज है वो क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है सोशल ग्रुप से, इसीलिए क्या करना चाहिए, लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पीपल आर ऑर्गेनाइज एक साथ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाउएवर दिस डज नॉट मीन द थियरी कैन नॉट ऑल्सो भी अप्लाई टू ओल्डर मूवमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि ओल्डर मूवमेंट पे ये नहीं अप्लाई होगी। रिमेंबर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ न्यू एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट इज प्राइमरली अबाउट द मूवमेंट फोकस, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पुराने मूवमेंट हैं, ठीक है, पुराने जो आंदोलन हैं, ठीक है, उनको उनको ये इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसको भी इनका लाभ मिलेगा। ठीक है, इन एडिशन टू द शिफ्ट इन द क्लास आइडेंटिटी दैट मेलकी साइट्स एज अ पार्ट ऑफ हिज रीजन फॉर प्रपोजिंग द न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी अनदर ड्राइविंग फोर्स इज रिलेटिवली न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो फोकस है उसको शिफ्ट कर दिया है न्यू मूवमेंट की तरफ पे, मतलब यहाँ पे ह्यूमन राइट पे फोकस किया गया। अभी तक के जितने भी थे सब पे सब किस पे फोकस कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट पे, मटेरियलिज्म पे फोकस कर रहे थे, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स स्पेशली यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट है, जो लॉज है, इन्फोर्सेज है, आर प्राइमरली द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट फ्यू सेंचुरीज, दीज आइडिया वर फॉर्मुलेटेड इन द 1948 यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशन इन द aftermath of a World War II. So while people have always had some concept of human right within the various culture, the universal application of particular rules for all humanity is new. Simple सी बात यही है कि यहाँ पे जो भी ये human right है पुरानी अवधारणाएं ही थी, पुराने समय से ही चली आ रही है, लेकिन इसमें कुछ न्यू चेंजेस आने की बात की गई। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यू सोशल मूवमेंट के, न्यू सोशल मूवमेंट क्या करता है, प्लूरिलिटी ऑफ अ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकली, ठीक है, रेजिस्टिंग अ क्लियर बाउंड्रीज और कंजर्वेटिव और लिबरल राइट, ठीक है, लिबरल राइट हो गया आपका, ठीक है, वेदर एंटी अथॉरिटेरियन और न्यूट्रल टू स्टेट इन्वॉल्वमेंट होना होता है, नेशनल जो सोशल मूवमेंट है आर नॉट कंसर्न विद द ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कंसर्न नहीं है, स्टेट कंट्रोल्ड एलिमेंट ऑफ देयर सोसाइटी एज अदर मूवमेंट, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन साउट टू बी कम्प्लीटली शिफ्ट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच, दिस इज इन कंट्रास्ट, फॉर एग्जाम्पल जो डिसेबिलिटी राइट है एक्टिविस्ट की न्यू सोशल मूवमेंट में, हु वॉन्ट टू अवेयरनेस ऑफ एन अटेंशन टू द नीड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, सिंपल सी ये चीज ये बोल रही है कि यहाँ पे अटेंशन को किधर की तरफ फोकस कर दिया गया है, जो लोग डिसेबल्ड हैं, ठीक है, डिसेबल्ड नीड वाले जो लोग हैं उनकी तरफ। मैनी न्यू सोशल मूवमेंट डू नॉट हैव हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ये टर्म को याद रखना, यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, बट इंस्टेड आर लूज कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लूज कनेक्शन होते हैं बिटवीन द कलेक्टिव्स दैट ऑफन मेक अ देयर डिसीजन थ्रू डिबेट डिस्कशन एंड कॉन्सेंस, मतलब यहाँ पे जो भी ये जो न्यू सोशल मूवमेंट में जो भी डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके थ्रू डिस्कशन एंड कॉन्सेंसस होते हैं। आई थिंक मेरे लैपटॉप का चार्ज, ठीक है, डिस्कशन एंड कंसेंसस के थ्रू होता है, ठीक है,
न्यू सोशल मूवमेंट टेंड्स टू फोकस मोर ऑन सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़, ठीक है, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यही करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस आपका रह जाएगा, ठीक है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल चेंज मूवमेंट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं, सोशल और कल्चरल जो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उन पे फोकस करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट टेंड्स टू ट्रांसेंडेंट थिंग्स लाइक क्लास इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सटेंड इनटू आइडियाज ऑफ डेली एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। मतलब ये इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये ट्रांसेंडेंट जो थिंग्स है लाइक क्लास क्लास हो गया, ठीक है, उन पे मतलब इसके बजाय उन विशेषताओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं जो लाइक सेक्सुअलिटी और प्रोफेशन ओपन टू पीपल विद अ वैरायटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में फैली हुई है, ठीक है, इन सब पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है जिसमें इनसर्जन कॉन्सियसनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ होती है और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। जल्दी से देख लेते हैं, द वे इन विच पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी इज सिमिलर टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन मेनी रिकॉर्ड। ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है वो किसके साथ सिमिलर है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के साथ, बट टेंड्स टू इम्फेसाइज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है, देयर थ्योरी सिमिलर टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है, किसके साथ सिमिलर है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ कई सारे एस्पेक्ट्स में, लेकिन ये इम्फेसाइज किस पे करती है? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हो गई आपकी, ठीक है। इट इज आर्ग्यूज दैट देयर आर थ्री वाइटल कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, एक इंसर्जेंट होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ यही चीज है, इंसर्जेंट कॉन्सेशनस क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या होती है और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या होती है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में। इंसर्जेंट का मतलब क्या है? विद्रोही चेतना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मतलब संगठनात्मक शक्ति, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब जो राजनीतिक अवसर मिलते हैं। ये करती है आइडिया ऑफ डेप्रिवेशन एंड ग्रीवनेस रिफर्स बैक टू द आइडिया ऑफ, मतलब द आइडिया इज दैट सर्टेन मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो क्या है, मिसट्रीट, उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, किसी उनके उनके साथ गलत किया जा रहा है, अनजस्ट किया जा रहा है। तो इनसर्जेंट जो कॉन्सियसनेस होते हैं ये कलेक्टिव सेंस ऑफ इनजस्टिस दैट मूवमेंट मेंबर फील्स एंड सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन लोगों वो जो लोग हैं कुछ लोग हैं जो जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ अनजस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो विद्रोही चेतना का ये क्या करते हैं, उस चीज का ये आंदोलन करते हैं, उनकी जो जो भावनाएं हैं, ठीक है, उनको जिस तरह से मिसट्रीट किया जाता है उसको ये क्या करते हैं, समझते हैं उस चीज को, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं इनसर्जेंट कॉन्सियसनेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या होते हैं? फॉल्स इन लाइन विद द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी आर्गुइंग दैट इन ऑर्डर फॉर सोशल मूवमेंट टू ऑर्गेनाइज इट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज। ये किसके साथ इनलाइंड है आपका? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के लिए लीडर शिप का स्ट्रॉन्ग होना जरूरत है, सफिशिएंट रिसोर्सेस होने चाहिए, तभी वो सोशल मूवमेंट आगे बढ़ पाएंगे, वरना वो तो वो रुक जाएंगे ना। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू द रेसिपिटी ऑफ अ वॉलनरेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम टू चैलेंज, मतलब एक तरीके जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उनको ये चैलेंज करने का काम करता है। दिस वॉलनरेबिलिटी कैन बी रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो सकता है? ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हो सकता है ना, डिक्लाइन होता है इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिफ्रेशन, ठीक है, मतलब दमन हो सकता है उनका, इलाइट डिसयूनिटी मतलब कुलीन विभाजन होना, द लीडिंग फैक्शन और इंटरनली फ्रेगमेंटेड, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल का ज्यादा से ज्यादा वो करना, उनका मतलब पार्टिसिपेशन करना है ना, सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज अपोजिशन बाय इलाइट्स, ठीक है, मतलब ये जो इलाइट्स हैं उनका मतलब जो भी अपोजिशन है कुलीन वर्ग द्वारा संगठित विरोध का समर्थन करना, ठीक है, इनका सपोर्ट होना। तो सिंपल सा ये पॉलिटिकल प्रोसेस वाले में आपको ये तीन थ्योरीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो तीन चीजें यहाँ पे बोली गई है पॉलिटिकल में, ठीक है, इंसर्जेंट कॉन्सियसनेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है। अब आता है इसमें कि वन ऑफ द एडवांटेज क्या है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी का, इज दैट इट एड्रेस द इशू ऑफ टाइमिंग और इमर्जेंस ऑफ सोशल
मूवमेंट को, ये लिख लेना आपने कॉपी में, ठीक है। सम ग्रुप में हैव अ इंसर्जेंट, कुछ ग्रुप में इंसर्जेंट कॉन्सियसनेस होता है, ठीक है, रिसोर्स टू मोबिलाइज होता है, बट बिकॉज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज आर क्लोज दे विल नॉट हैव एनी सक्सेस, मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको वो सफलता नहीं मिलती। क्रिटिक्स ऑफ क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी का, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का, पॉइंट आउट दैट नाइदर थ्योरी डिस्कसेस द मूवमेंट कल्चर टू एनी ग्रेट डिग्री, मतलब इन्होंने किसी भी आंदोलन की किसी डिग्री पे, मतलब किसी उसको एक लंबे समय तक नहीं मतलब बात की थी, ठीक है। दिस हैज प्रेजेंटेड कल्चरल थ्योरीज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। इन्होंने ये जो पॉलिटिकल मेडिटेशन मॉडल था, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है ये जो उस पर फोकस किया था जो इस फेस करते हैं इस मोमेंट को, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ क्या है इस मॉडल का, इट कैन लुक एट द आउटकम ऑफ द सोशल मूवमेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अ सक्सेस और फेलियर, ठीक है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, साली फेलियर और सक्सेस ही नहीं देखता। चीफ कैरेक्टरिस्टिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी इज दैट इट इज रिलेटेड टू द सोशल मूवमेंट मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज के साथ है, मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर्स है, फ्रेमिंग प्रोसेसेस है, ठीक है, इन सब का इनसे क्या होता है, रिलेशन होता है, ये सब क्या होते हैं, इनके साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है, ये यूनिट वन का डी सेक्शन आपका रह गया, ठीक है, ये यूनिट वन का डी सेक्शन है आपका, जिसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इसको हम कब करेंगे, कल करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, इधर आ जाओ, हम लोगों ने यहाँ पे देखो सारी चीजों को यहाँ पे देख लिया है, एक बार देख लो, ये यूनिट वन का सी सेक्शन था, ठीक है, सी सेक्शन में हमने सारी चीजों को कर लिया, अप्रोचेस हो गई हमारी, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, थ्योरीज जो भी थी वो सारी थ्योरीज हो गई, थ्योरीज में पूरा डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ की पॉइंट को लिख लो, उससे ज्यादा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए अच्छे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग भी टेलीग्राम्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, बिकॉज वहाँ पे मैं एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ, ठीक है, थैंक यू।